हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको क्रिस्पी भिंडी की रेसिपी दिखाएंगे। बहुत यमी होती है, बहुत डिलीशियस होती है। एक तरह की डेलिकेसी है वेजिटेरियंस के लिए और नॉन वेजिटेरियंस के लिए भी। तो भिंडी बनाते हुए आप हमारे टिप्स को फॉलो करिएगा, आपकी भिंडी बहुत ज़बरदस्त तैयार होकर आएगी। हमने पहले भी एक भिंडी की सब्ज़ी डाली हुई है, आप वो सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे या गूगल पे जाके। भिंडी की सब्ज़ी और शैलास दस्तरखान आप लिखेंगे तो हमारी वो रेसिपी भी सामने आ जाएगी। वैसे हम इसका लिंक भी दे देंगे, ऊपर आए बना हुआ आएगा, आप देखेंगे। अगर उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप उसी रेसिपी पर पहुँच जाएंगे। भिंडी को बहुत तरीके से बनाया जा सकता है और हम बनाते भी हैं। हम और भी रेसिपीज डालेंगे भिंडी की, तो आप उनको भी जल्द ही हम उनको भी अपलोड करेंगे, तो आप वो देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आपको बता देते हैं इसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। तो कुरकुरी भिंडी के लिए आप इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। मैंने 250 ग्राम भिंडी ली है, जिसको पहले से मैंने काट के रख लिया है। मैंने थोड़ा सा बचा के रख लिया कि मैं आपको बता देती हूँ कि इसको कैसे काटना है। हमने इस तरह से इनको पतला पतला काटा है, आप देख सकते हैं बहुत पतला पतला काटा है इनको इवनली। अगर आपकी भिंडी बड़ी है तो उसमें से दो हिस्से कर लीजिए। ये जैसे भिंडी बड़ी थी तो उसको मैंने दो हिस्से कर लिए, तो इसके अंदर से हम ये जो बीज हैं ये छुरी की मदद से हम इसको निकाल देंगे। इस तरह से निकालेंगे और आराम से ये निकल आता है। देखिए इस तरह से हमें सारे निकाल लेने होंगे। आप यहाँ से भी कर सकते हैं और इधर से भी करेंगे, साइड से दोनों तरफ से हल्का हल्का से छुरी से करेंगे तो ये अपना आप ये सारा निकल कर चला आता है। ये देखिए इस तरह से हमने सारी भिंडी के निकाल लिए हैं और फिर इनके हमने तीन तीन हिस्से कर लिए हैं, पतले पतले लंबे लंबे तीन तीन। इस तरह से मैंने सारी भिंडी को काटा है, इस तरह से तीन तीन हिस्से हो गए हैं। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपने लगाया और ये अपना आप ये उंगली से ऐसे निकलता हुआ चला आता है। आप ये देख सकते हैं इस तरह से सारे निकल आएंगे बीज। याद आप छुरी की मदद से कर सकते हैं या उंगली से ही आराम से ये निकल आते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। बस थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन पेशेंस के साथ करेंगे, एक बार करना शुरू करेंगे तो आदत पड़ जाती है। तो इस तरह से हमने तीन तीन हिस्से कर लिए हैं और हमने सारे इवनली करे हुए हैं। तो आगे मैं बता दूँ मैंने क्या इन्ग्रीडियंट्स लिए हैं। 2 टेबलस्पून मैंने बेसन लिया है, 1 टेबलस्पून ये राइस फ्लावर है, नमक हमने अपने जायके के हिसाब से आप ले लीजिएगा, वैसे ही 1 चम्मच से थोड़ा कम है। बाकी 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, कुटा भुना जीरा है ये, 3/4 टीस्पून, 1/4 चम्मच हल्दी है, 1/4 चम्मच गरम मसाला है, 1/2 टीस्पून मैंने चाट मसाला लिया है, ये हमारा होममेड है, इसमें नमक है इसलिए मैंने नमक ये अपने हिसाब से थोड़ा कम लिया है, 1/4 चम्मच मैंने अजवाइन ली है और 1/2 से भी कम मुझे नींबू की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप नींबू ना डालना चाहें तो उसके बदले आप खटाई ले सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये सारे मसाले इसमें डाल देती हूँ, मैंने नमक नहीं डालूंगी, बाकी सारे मसाले मैं इसमें डाल देती हूँ। बेसन डाल देती हूँ मैं, राइस फ्लावर डाल रही हूँ मैं और इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। राइस फ्लावर से ये होगा कि इससे बहुत क्रंची हो जाएंगे। और ये नींबू मैंने इसमें निचोड़ देती हूँ, हल्का सा नींबू डालेंगे कि उससे ये होगा कि इसकी वजह से जो मसाले हैं और सो है वो चिपक जाएगा। पहले हम इसमें थोड़ा सा पहले ऐसे मिला लेते हैं हाथ से ही, सारे मसालों को अच्छे से मिला ली ताकि इवनली सारी भिंडी कोट हो जाए। इसमें इतना लेस रहता है कि उसकी वजह से ये बेसन और जो राइस फ्लावर है मसाले इसमें अपने आप ही चिपक जाते हैं। बस थोड़ी सी हम इसमें बूंदे नींबू के डालेंगे। देखिए अच्छे से मिल गए हैं सारे मसाले इसमें, आप देख सकते हैं। अभी देखिए अच्छे से मिल गए हैं सारे मसाले। अब इसमें मैं थोड़ा सा नींबू डाल देती हूँ। मैंने चम्मच में निकाल लिया है, अब मैं इसे मैंने फ्राई करने के लिए पहले ही कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें ऑयल गर्म हो रहा है अभी, क्योंकि इसको हमको बहुत तेज, जब तेल गर्म हो जाएगा तो हमें ये डालना होगा। अब मैं आखिर में नमक डाल देती हूँ,
क्योंकि नमक अगर हम पहले से डाल देंगे तो इसमें पानी छोड़ने का डर रहता है, तो मैं बिल्कुल आखिर में नमक डालूंगी जब हमारा बिल्कुल तेल गर्म हो गया है। तो इसको भी मैं अच्छे से मिला लूंगी। अब हम इसको फ्राई करते हैं। ये अच्छे से मिल गया है सब, तेल गर्म हो गया है। एक बार हम डाल के चेक कर लेते हैं, तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम धीरे धीरे इसमें डाल देंगे। फ्लेम मैंने अभी हाई पे ही है, हम इस तरह से स्प्रेड करते हुए डालेंगे, एक जगह इकट्ठा करके नहीं डालेंगे, और थोड़े थोड़े बैचेज में हम तलेंगे उसको। इसको एक लॉट को होने में 2 से 3 मिनट लगते हैं। शुरू में हम हाई फ्लेम पे करेंगे, शुरू के 2 मिनट, फिर आखिर के 1 मिनट हम इसको लो फ्लेम पे करेंगे, क्योंकि हमें भिंडी को भी गलाना है। अब मैं फ्लेम को लो कर दूंगी, इसमें अच्छा सा कलर आ गया है। अब हमें इसको गलाना है भिंडी को, तो मैंने फ्लेम लो कर दिया है। मैंने एक प्लेट में पेपर टॉवल रख लिया है, मैं इसमें निकाल लूंगी। हमारी भिंडी फर्स्ट लॉट हमारा हो गया है, मैंने फ्लेम लो कर दी है। अब मैं सारे इस तरह से निकाल लूंगी, थोड़ा जो तेल है आप उसको नीचे से निकाल दीजिएगा, और उसको खोल के फैला के डालिएगा, एक के ऊपर एक करके मत डालिएगा। आप देख सकते हैं हमने इसको किस तरह से बिल्कुल क्रिस्पी हो गई है भिंडी है। आप इसको खोल के फैलाइएगा, एक के ऊपर एक मत रखिएगा। अब हम दूसरा लॉट डाल देते हैं। हमारा दूसरा लॉट भी लगभग तैयार है। आप इसको खास ध्यान रखिएगा कि भिंडी बिल्कुल जब आप काटे तो बिल्कुल गीला ना हो, धोने के बाद उसको बिल्कुल आप ड्राई कर लीजिएगा, ये पेपर टॉवल से या किचन टॉवल से आप उसको पोंछ लीजिएगा, तो बिल्कुल ड्राई हो जाए सब भिंडी, तो उसको आप काटिएगा। और सारी भिंडी फ्राई करने से पहले आप एक डाल के पहले देख लीजिएगा, उसका नमक वगैरह सब चख लीजिएगा, तब बाकी भिंडी आप फ्राई करिएगा। अब इसमें हम तीसरा लॉट भी डाल देते हैं और हमारी सारी भिंडी तैयार हो जाएगी। फ्लेम हमारा अभी हाई है, तो आप ये 2-3 टिप्स का ध्यान रखिएगा कि आप भिंडी को जब धोने के बाद उसको बिल्कुल सुखा लें और बिल्कुल ड्राई कर लें तब उसको काटिएगा। दूसरी बात ये है कि आप उसको इवनली काटिएगा और थोड़ा पतला पतला काटिएगा, पतला कटेगा तो वो जल्दी क्रिस्प होगा, जल्दी गलेगा। ज़्यादा आप मोटा मोटा काटेंगे तो वो जल्दी गलेगा भी नहीं और क्रिस्प भी नहीं होगा, तो उसके लिए बेहतर यही होगा कि आप पतला पतला लंबा लंबा काटें। जैसे हमने एक में से 3-3 हिस्से किए थे, उस तरह आप देखिए बिल्कुल पतला है। इस तरह से आप इवनली काटिएगा और सब एक जैसे शेप के हों, एक जैसे साइज़ के हों, लगभग एक सिमेट्री सी हो। ये नहीं कि कोई छोटी भिंडी है कोई बड़ी भिंडी है, तो उस तरह से नहीं। अगर बड़ी भिंडी है तो आप उसको 2 में डिवाइड कर लीजिएगा, तब उसको काटिएगा। तो ये 2-3 बातों का खास ध्यान रखेंगे तो आपकी भिंडी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। तो ये बहुत अच्छा है पार्टीज में, छोटी मोटी पार्टीज में आप इसको तैयार कर सकते हैं। कितनी ज़बरदस्त निकल कर आई है, कलर कितना अच्छा आया है, मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प बनी है ये, इसको घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए आवाज़ आई आपको, मैं आपको तोड़ के ऐसे दिखाती हूँ, आपको आवाज़ आएगी। ये देखिए आप, ये देखिए आवाज़ आई आपको, बहुत ज़्यादा क्रिस्प बनी है। आप इसको ध्यान रखिएगा, जब आप उसको तल के निकालें तो उसको खोल के फैला दें, एक दूसरे के ऊपर मत रखिएगा। जैसे मैंने लास्ट लॉट जो निकाला है इसको थोड़ा सा खोल के फैला दिया है मैंने, तो इस तरह से क्रिस्प रहेगी, वरना एक के ऊपर एक रहेंगे। बड़ा सा प्लेट ले लीजिएगा या कोई ट्रे, तो उसमें आप फैला के रखिएगा, तो ये बहुत देर तक क्रिस्प रहेगी, बिल्कुल भी सॉगी नहीं होगी। लेकिन अगर आप एक के ऊपर एक करके रखेंगे तो बहुत जल्दी ये सॉगी हो जाएगी। तो ऐसा आप ये सब जो टिप्स हैं अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी भिंडी बहुत अच्छी आएगी निकल के। देखिए आप, आवाज़ आ रही है आपको, कितनी क्रिस्प तैयार हुई है। हमने इसको अलग अलग करके फैला के रखा था, बहुत अच्छी तैयार हुई है। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, बहुत ज़्यादा क्रिस्प है, बहुत अच्छी बनी है, बहुत चटपटी है। इसमें जो चाट मसाला, अजवाइन और जो नींबू डाला है उसकी वजह से बहुत ज़ायका आया है। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, कुछ मेहमान आए घर में, छोटी मोटी पार्टी हो तो आप उसमें ये ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो नीचे एक लाइक का बटन है, आप वो प्रेस कर दीजिएगा।
नीचे एक सब्सक्राइब का भी बटन है और एक बेल आइकन है, आप दोनों को प्रेस करेंगे तो आपको हमारे नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगली बार मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, देखते रहिए शैलास दस्तरखान।